हेलो स्टूडेंट्स, टुडे द टॉपिक इज़ इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड करिकुलम एक ऐसा करिकुलम है या एक ऐसा तरीका तदरीस है जिसमें हम डिफरेंट प्लानिंग्स करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स को आपस में मिलाते हैं। बेसिकली जो इंटीग्रेटेड करिकुलम है इसको हम इंटीग्रेटेड लर्निंग भी बोल सकते हैं, जो कि इंटीग्रेटस वर्ड से निकला है, जो एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स टू मेक होल और पुट थिंग्स टुगेदर, चीज़ों को इकट्ठा करके पढ़ाना, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स को आपस में मिला के उनको करवाना, बच्चों को उनकी लर्निंग करवाना। तो इंटीग्रेटेड का मतलब होता है मुतहिद करना, इकट्ठा करके, मरबूत करके पढ़ाना, उन टॉपिक्स की जो लर्नर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग भी होते हैं और डिफरेंट मज़ामीन में एक ही जैसे होते हैं टॉपिक्स। तो टॉपिक जो होते हैं वो डिफरेंट मज़ामीन से उनको रिलेट करके पढ़ाया जाता है। जैसे सोशल स्टडीज़ के बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो पाक स्टडीज से, या इसके अलावा कल्चरल जो आस्पेक्ट्स होते हैं, कल्चरल जो टॉपिक्स होते हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ उनको रिलेट करके पढ़ाया जाता है, और उनको लैंग्वेजेस में भी सिखाया जाता है, उनको डिफरेंट सोशल साइंसेज में भी सिखाया जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एक दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम में भी हम चीज़ों को, डिफरेंट टॉपिक्स को दूसरे टॉपिक्स जो सब्जेक्ट्स के टॉपिक के साथ रिलेट करके उनको समझा देते हैं। इस तरह के सब्जेक्ट्स में जो सोशल स्टडीज़ हो गया, इसमें मैथमेटिक्स होते हैं और डिफरेंट आर्ट एंड आर्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं जो एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम में स्टूडेंट्स को अपने कंटेंट, जो उनका करंट नॉलेज है और उनके जो पास एक्सपीरियंसेस के साथ कनेक्ट करके उनको सिखाया जाता है। यही बात रॉबर्ट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट द टर्म इंटीग्रेटेड करिकुलम रेफर्स टू अ वे ऑफ टीचिंग, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, की कैसा टीचिंग का तरीका तदरीस है जिसमें प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है। जो डिस्क्रीट डिसिप्लिन ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स आर इंटर रिलेटेड, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स में के जो मैटर्स हैं उनको इंटर रिलेट कर लिया जाता है, एंड मैच द डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ द लर्नर, और स्टूडेंट्स की नीड्स को के साथ उनको मैच करके हेल्प टू मीनिंगफुली कनेक्ट स्टूडेंट्स लर्निंग एंड टू देयर करंट एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो उनके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके जो प्रीवियस नॉलेज होते हैं, उनको करंट के साथ रिलेट करके इस तरह से बच्चों को उनके डेवलपमेंट जो है वो की जाती है। इंटीग्रेटेड करिकुलम इज़ रूटेड इन जॉन डेवी स्कूल इन शिकागो इन 1898। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम जो मरबूत नसाब की जो बुनियाद है 1998 में शिकागो स्कूल है जॉन डेवी का, जिसमें रखी गई थी। इट इज़ नॉट अ न्यू मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, ये न्यू मेथड नहीं है। एजुकेटर्स फर्स्ट एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम इन द 1890s। तो ये बहुत पुराना मेथड है, इसको न्यू मेथड नहीं में इंक्लूड नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसको 1890s के एजुकेटर्स ने इसको एक्सप्लोर किया था और जॉन डेवी के स्कूल में इसकी बुनियाद रखी गई थी। एन इंटीग्रेटेड स्टडी इज़ वन इन विच चिल्ड्रन ब्रॉडली एक्सप्लोर नॉलेज। तो ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं वेरियस सब्जेक्ट्स से रिलेट टू सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट। तो अपने एनवायरनमेंट से, अपने रियल लाइफ सिचुएशन से इसको इंटीग्रेटेड में होता क्या है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आपस में जब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, फिर हम जो है किसी एक लेसन या टॉपिक को रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं, उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। देन एक लेसन को दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करके भी हम इसको कर सकते हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इंटीग्रेटेड करिकुलम एक ऐसी स्टडी है जिसमें स्टूडेंट्स अपने एनवायरनमेंट के साथ डिफरेंट एस्पेक्ट्स से मुतालिक डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वसी पैमाने पर नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं। तो इस तरह जब एक दूसरे हर सब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके जब पढ़ाया जाता है तो स्टूडेंट्स जो है वो अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं और अपने एनवायरनमेंट से उसको रिलेट करके डिफरेंट माहौल के जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेट करके उनको समझते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड करिकुलम इज़ नॉट एम्फेसिस द लर्निंग एंड बेसिक लैंग्वेज स्किल्स। इंटीग्रेटेड करिकुलम इज़ टू एम्फेसाइज द लर्निंग एंड बेसिक लैंग्वेज स्किल्स। तो ये सिर्फ सब्जेक्ट्स पे ही बेस नहीं कर रहा होता या डिफरेंट आस्पेक्ट्स पे बेस नहीं कर रहा होता, बल्कि ये एम्फेसाइज करता है, ये जोर देता है बेसिक लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर फॉर चिल्ड्रन ऑफ स्कूल लेवल। तो ये स्कूल लेवल के बच्चों के लिए जो निसाब है ये बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, बहुत ज़्यादा बच्चों की बेसिक लैंग्वेज स्किल्स सिखाई जाती हैं, जैसे कि बच्चों को लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना जो है ये सिखाया जाता है। तो जो फोर बेसिक लैंग्वेज स्किल्स हैं वो बच्चों की इंप्रूव की जाती हैं। दिस वुड इंक्रीज द लिटरेसी रेट ऑफ द कंट्री। तो इस तरह से लिटरेसी रेट को इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है।
तो लैंग्वेज स्किल्स पर जोर दिया जाता है इसमें इंटीग्रेटेड करिकुलम के ऊपर। रिडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक्स, नसाबी कुतुब में कमी आ जाती है। जब हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आपस में इकट्ठा करके पढ़ाते हैं तो बहुत सारे जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसकी उनका जो बर्डन है वो बच्चों पे कम हो जाता है। एंड दैट और इसके अलावा ये होता है कि टीचर्स में फोकस देयर अटेंशन ऑन लैंग्वेज स्किल्स एंड अलोंग विद इट दे मे बी एबल टू इम्पार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। तो इस तरह से क्या है कि स्किल्स लैंग्वेज जो टीचर्स होते हैं अपनी तवज्जो जो है वो ज़्यादातर लैंग्वेज स्किल्स पर मरकूज करते हैं, एंड अलॉन्ग विद टीचर्स अपने मेन सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं कि वो डिफरेंट लैंग्वेज स्किल्स भी सिखाते हैं और अपने मेन सब्जेक्ट के पे भी इनका जो है वो फोकस होता है। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इस निसाब के जो मेन का जो मेन फोकस होता है स्टूडेंट्स की बेसिक स्किल्स को सिखाना होता है ताकि कंटेंट भी कवर हो सके और साथ साथ बच्चे की बेसिक लैंग्वेज स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएँ। एंड आल्सो इट डिवेलप द हायर लेवल ऑफ थिंकिंग, तो स्टूडेंट्स को डिफरेंट चीज़ों को इकट्ठा करके पढ़ाना और उनकी थिंकिंग को उनके जो हायर लेवल ऑफ थिंकिंग है उसको डिवेलप करना होता है। इंटीग्रेटेड करिकुलम में लर्नर्स को अपने करिकुलम जो है अपना जो सब्जेक्ट्स है उससे रिलेटेड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करवाई जाती है, तो उनको प्रॉपर तरीके से जब वो डिप इसके अलावा उसमें बेसिक स्किल्स पे उनका जो कंटेंट होता है जो उनका मवाद होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग करवाई जाती है और डीपर अंडरस्टैंडिंग जो उनका कंटेंट है उसके अबाउट उनको प्रॉपर तरीके से जो है वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करवाई जाती है। इनक्रेजेज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन रेलिवेंट रियल लाइफ एक्सपीरियंसिस, जब स्टूडेंट्स जो है वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसिस के साथ उसको जब रिलेट किया जाता है तो स्टूडेंट्स जो इनकी पार्टिसिपेशन एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है और स्टूडेंट्स को इनक्रेज किया जाता है उनकी पार्टिसिपेशन को। एंड आल्सो प्रोवाइड कनेक्शंस अमंग वेरियस करिकुलर डिसिप्लिनस, तो बहुत सारे करिकुलम जो डिसिप्लिनस होते हैं बहुत सारे करिकुलम के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, उनको आपस में कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको इकट्ठा करके उनको सिखाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स के लिए ये आसानी हो सके और जो ज़्यादा क्लासेस का और जो ज़्यादा बुक्स का बर्डन है वो कम हो सके। अकोमोडेट्स अ वेराइटी ऑफ लर्निंग स्टाइल्स थीरीज एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो इसमें यह किया जाता है कि स्टूडेंट्स को डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स सीखने को मिलते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से उनको पढ़ाया जाता है, उनको लिखाया जाता है, उनको सुनाया जाता है, एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, थीरीज़ करवाई जाती हैं, डिफरेंट मल्टीपल जो तरीके हैं वो इसमें अपनाए जाते हैं, इसमें यूज़ किए जाते हैं ताकि बच्चे जो है वो डिफरेंट स्टाइल से इसमें इसको सीख सकें। इसके अलावा कनेक्शंस, जब एक चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है कनेक्शंस स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स के आपस में किए जाते हैं कायम किए जाते हैं तो स्टूडेंट्स को आसानी हो जाती है और लर्निंग के लिए डिफरेंट वैरायटी उनको मुयसर होती है, कल्चर डिवेलप होता है और करिकुलम के एडवांसमेंट भी इसके अंदर होती है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अब हम देखते हैं इसके, तो इसमें स्टूडेंट्स बाज दफ़ा जो है उनका इंटरेस्ट इशू जो है स्टूडेंट्स जब इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं इस चीज़ को बोरियत का महसूस करते हैं। कंटेंट इश्यूज़ हैं कि कंटेंट जो है वो पूरा बाज दफ़ा कम्प्लीट नहीं हो पाता है या इसका बाज दफ़ा ऐसे होता है कि बहुत सारी चीज़ों को आपस में रिलेट करके तो वो बहुत जल्दी कवर हो जाती हैं, इस तरह से बच्चे जो हैं वो फिर इसको थोड़े टाइम में इसको कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन उनकी लर्निंग जो है वो पुख्ता नहीं होती है और एक तरफ से उनका जो मेंटल लेवल है वो मिक्स चीज़ें मिक्स होना शुरू हो जाती हैं, तो अटर्न विद क्लासरूम कल्चर कल्चर जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। इनएसेसिबल टू सम स्टूडेंट्स ड्यू टू कल्चरल एकेडमिक एबिलिटी डिफरेंसेस, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो मेंटल लेवल होता है जो उनकी एबिलिटीज़ होती हैं वो इतने स्लो लर्नर्स होते हैं तो वो इस तरह से चीज़ों को इकट्ठा करके उनको करना मुश्किल हो जाता है और डिफरेंट कल्चर के स्टूडेंट्स के लिए भी ये चीज़ें जो है वो मुश्किल होती हैं। डिसएडवांटेजेस में एक चीज़ होती है कि इसमें कॉमन टीचिंग प्लानिंग नहीं होती, इसमें टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पाती है, इसमें टाइम को रिक्वायर होता है और प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है जो कि बहुत सारे टीचर्स इसमें नहीं कर पाते हैं। रिक्वायर नॉलेज ऑफ बोथ डिसिप्लिन्स बेटर फॉर मोर एक्सपीरियंस टीचर्स, तो टीचर्स एक्सपीरियंस टीचर्स चाहिए होती हैं और इसके अलावा जो है उनको रिक्वायर्ड नॉलेज के लिए इनको बाकायदा तौर पर प्लानिंग करनी पड़ती है, तो इस चीज़ की कमी की वजह से जो है वो बहुत सारे